बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 9 है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ एंड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के हवाले से है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ के इस्तेमालात, या इसको कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डाल्टन लॉ को, तो वो हम स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आर गिवन बिलो। हमारे पास चार जो हैं ये एप्लीकेशन हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स एज एक्सटेंसिव क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आ चुका हुआ क्वेश्चन। नंबर वन, सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन द लेबोरेटरी। कुछ गैसेस जो है लेबोरेटरी में पानी के ऊपर जो है वो जमा की जाती हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये गैस तैयार हो रही है, मीथेन गैस। ये कंपाउंड है सोडियम इथेनोएट और सोडा लाइम। सोडा लाइम और इथेनोएट को हीट करते हैं तो मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन गैस को वाटर के ऊपर, ये वाटर है, जार है, इसके अंदर वाटर है, वाटर के ऊपर ये जार रखा हुआ है, तो जार में वाटर के ऊपर जाकर मीथेन गैस जो होती है वो जमा हो जाती है। तो कुछ गैसें जब तैयार करते हैं लेबॉरेटरी में तो उन्हें पानी के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है, पानी के ऊपर जमा कर लिया जाता है। द वेपर ऑफ वाटर आर मिक्स विद द गैसेस ड्यूरिंग कलेक्शन। जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं। इट मेक्स द गैस मॉइस्ट, ये गैस को गीला कर देता है या नमदार कर देता है। मॉइस्ट मीन इट मिक्स वाटर वेपर एंड इट बिकम वेट। सो गैस बिकम वेट, तो गैस जो होती है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, नमदार हो जाती है। दी प्रेशर ऑफ मॉइस गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर। मॉइस गैस का जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा ड्राई गैस के प्रेशर के और वाटर वेपर्स के प्रेशर के, क्योंकि गैस के अंदर वाटर के वेपर मिक्स हो चुके हैं। दी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। The pressure exerted by water vapor is known as aqueous tension. जो वो प्रेशर जो वाटर के वेपर लगाते हैं उस प्रेशर को हम aqueous tension कहते हैं। तो डाल्टन लॉ के मुताबिक प्रेशर, डाल्टन लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर है, यानी कि नमदार गैस का, ड्राई गैस और वाटर वेपर का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बाई वाटर वेपर, विच विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन इज एडिंग ऑन द राइट हैंड साइड। व्हेन वी विल शिफ्ट एक्वस टेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी सब्सट्रैक्टेड और माइनस। सो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वी विल शिफ्ट द एक्वस टेंशन टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी माइनस। P moist minus aqueous tension is equal to partial pressure of dry gas. In solving numerical, the aqueous tension is subtracted from the total pressure P moist. तो जब numerical solve करते हैं तो आप जो है total pressure में से aqueous tension को minus करते हैं ताकि आपके पास gas का partial pressure आ जाए। तो ये पहला इसकी application थी, इसमें देखिए Dalton law apply हुआ है। Number 2, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। जो अमले तनफस है, सांस लेने का अमल, ये भी डाल्टन लॉ का इस्तेमाल इसमें भी होता है। टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल प्रेशर होता है एयर के अंदर, इतना ही प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में भी होता है। तो फिर फेफड़ों से गैस बाहर कैसे आ जाती है? जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये गैसें कैसे बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है फेफड़ों से बाहर आ जाती है और जो ऑक्सीजन फेफड़ों में चली जाती है, ये कैसे होता है? जब दोनों गैस का प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर की बात हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल प्रेशर एयर में है, इतना ही टोटल प्रेशर जो है लंग्स में भी होगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें एयर में,
और ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें लंग्स में, ये डिफरेंट प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर दोनों गैसेस का सेम होगा एयर में और लंग्स में, लेकिन टोटल प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर हर गैस का वो डिफरेंट होगा एयर के अंदर भी और लंग्स में भी। यानी कि प्योर ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होगा एयर के अंदर और फेफड़ों के अंदर ये मुख्तलिफ होगा। इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो ये फर्क कहाँ पे आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन लंग्स एंड एयर, फेफड़ों में और हवा में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टार। तो हवा में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार, ये हाई प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज 116 टार, लो प्रेशर है ये। तो एयर में जो है वो प्रेशर ऑक्सीजन का 159 टार है, और फेफड़ों में जो कितना प्रेशर है 116 टार। हाई प्रेशर कहाँ, एयर में। हाई प्रेशर से ऑक्सीजन लो प्रेशर की तरफ से आ जाएगी जब हम गैस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं सांस के जरिए, फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। तो हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों में चली जाएगी। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एयर इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन जो है वो एयर से, हवा से फेफड़ों में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में ज़्यादा होती है और बाहर एयर में कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों से निकलकर बाहर एयर में चली जाती है जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द पायलट फील अनइजी टू ब्रीथ एट हायर आल्टीट्यूड। जो ऊंचाइयां होती हैं, बुलंदियां होती हैं, वहां पर जो पायलट होते हैं वो बेचैनी महसूस करते हैं सांस लेने में, बेआरामी, बेसकूनी महसूस करते हैं। दे फील अनइजी टू ब्रीथ एट हायर आल्टीट्यूड। ऐसा क्यों होता है, एट हायर आल्टीट्यूड दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन दी अनप्रेशराइज्ड केबिन। तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हायर आल्टीट्यूड पे, बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर, ऑक्सीजन का जो अनप्रेशराइज्ड केबिन होता है, ये केबिन देखें, ये तस्वीर लगी हुई है आपके सामने, ये पायलट का केबिन है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है जब ये जहाज ऊंचाई पर जाता है तो इस केबिन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। इट मस्ट बी इक्वल टू 159 टार एज इन एयर। तो यहाँ पर केबिन के अंदर भी एयर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टार होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए केबिन को प्रेशराइज किया जाता है, केबिन के प्रेशर बढ़ा दिया, एयर का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज इन द केबिन टू 159 टार। तो केबिन जो है प्रेशराइज कर दिया जाता है। जैसे केबिन खोलते हैं तो एक गैस की आवाज भी आती है कि गैस जो है वो केबिन से बाहर आ रही है, ठीक है। तो जो है इसमें वो पता चल जाता है कि केबिन प्रेशराइज है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है ताकि जब जहाज़ ऊंचाई पर जाए तो पायलट बेचैनी महसूस ना करे, बेहोश ना हो जाए। नेक्स्ट नंबर 4, डीप सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम। जो डीप सी डाइवर होते हैं, गहरा समुद्र के गोताखोर होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ इनर्ट गैस लाइक हीलियम लेकर जाते हैं। हीलियम नोबल गैस है, ये एक इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करती ब्लड के साथ या बॉडी में किसी और चीज़ के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ आप हीलियम को मिक्स करके ले जाते हैं। वाई हीलियम, वाई नॉट नॉर्मल एयर, हम आम हवा क्यों नहीं लेकर जा सकते। आम हवा में नाइट्रोजन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम गहराई में जाते हैं पानी के, समंदर के अंदर या झीलों में या ऐसे गहराई में जाते हैं, तो गहराई में जो होता है हर 100 फीट पर 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। एट द प्रेशर ऑफ एयर इन सी इंक्रीजेस बाय 3 एटमॉस्फेयर आफ्टर एवरी 100 फीट। तो हर 100 फीट की गहराई पर 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ये 3 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो बढ़ने से फिर जो है वो जो नाइट्रोजन होती है वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सिलेंडर एंड इट कॉजेज द ब्लड टू रप्चर, ब्लड सेल टू रप्चर। तो इससे ब्लड सेल फट जाते हैं और जो इंसान की जो होती है मौत वाक्य हो जाती है। द नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन द डेप्थ ऑफ सी।
जो आम हवा होती है आप समुद्र की गहराई में उसे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ जाता है इन द डेप्थ ऑफ सी, इट डिफ्यूज इन द ब्लड, ये ब्लड में शामिल हो जाती है। द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सी, इट डिफ्यूज इन द ब्लड, ये ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है। तो अगर आप हीलियम लेकर जाएंगे ना, आपको एक बात बताऊं कि अगर आप हीलियम लेकर जाएंगे और समंदर के नीचे गहराई में गोताखोरी करेंगे, जब आप बाहर आएंगे तो आपके फेफड़ों में भी हीलियम होगी। फेफड़ों में हीलियम होने की वजह से, हीलियम की चूंकि डेंसिटी कम होती है, हीलियम गैस की डेंसिटी कम होती है, तो आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, बिल्कुल आवाज़ ऐसी आएगी जैसे बतखें बोल रही हूँ, जैसे डक्स आर स्पीकिंग और क्वैक क्वैक कर रही होती हैं, वो ऐसी आवाज़ आएगी आपके जिस्म से। इसे डोनाल्ड डक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये देखें सिलेंडर लेकर गहरा समंदर में, तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर गहरे समंदर की गोताखोरी की जा रही है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। फर्स्ट वी विल स्टडी डिफ्यूजन। डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, इट इज द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस विद अनदर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये खुद ब खुद गैस का मिक्स हो जाना, मॉलिक्यूल का एक दूसरी गैस के साथ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। इस खुद ब खुद जो मिक्सिंग को हम जो है डिफ्यूजन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? खुद ब खुद। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, ये आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज शो रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल वो रैंडम मोशन शो करते हैं, बेतरतीब भरकर शो करते हैं। द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। दे चेंज देयर डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद वो जो है अपनी सिमत, जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर लेते हैं, अपनी सिमत तब्दील कर लेते हैं। इट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ गैस सेपरेट आफ्टर कोलिजन। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, टकराने के बाद वो अपनी जो डायरेक्शन जो होती है वो तब्दील करते हैं और वो फैलना शुरू हो जाते हैं चारों जानेब। आफ्टर कोलिजन ऑफ टू गैसेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस बिकम सेम एवरीवेयर। जब डिफ्यूजन हो जाती है दो गैसेज की, हर गैस का पार्शियल प्रेशर हर जगह एक जैसा हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसकी डिफ्यूजन की? स्प्रेडिंग, दिस एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ रोज और सेंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। अगर आप एक कमरे के कोने में खड़े हो जाएं और आप स्प्रे करें परफ्यूम, तो वो चारों जानब उसकी खुशबू फैल जाती है। उसकी रीजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं टकराते हैं आपस में हवा के मॉलिक्यूल के साथ और वो फैलना शुरू हो जाते हैं, और जो खुशबू होती है सेंट की तो वो या गुलाब की, वो फैल जाती है चारों जानब। नेक्स्ट अनदर, सपोज NO2 गैस, इट इज ब्राउन कलर गैस। NO2 गैस इज ब्राउन कलर गैस। ये इन ए कंटेनर एंड ऑक्सीजन गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए पार्टीशन इन ए कंटेनर। ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें यहाँ पर NO2 गैस है और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस कलरलेस है, जबकि जो NO2 गैस है ये ब्राउन है, ये ब्राउन गैस है। जैसे ही आप पार्टीशन को रिमूव करेंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ पार्टीशन द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस विल कोलाइड विद ईच अदर। दोनों गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे और चारों जाने फैलना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि सारी जगह जो है वो ब्राउन हो गई है। इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल भी होंगे चारों तरफ, और चारों तरफ जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस के मॉलिक्यूल भी होंगे। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यहां पर वीडियो देखें। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन बेतरतीब हरकत करते हैं,
वो चारों तरफ हर तरफ हरकत कर रहे होते हैं। देखिए गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ हरकत करते हैं, तो जब गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो ये फैलना शुरू हो जाते हैं। देखिए हमारे पास ये एक जार है, इसमें ब्रोमीन के वेपर हैं, ये भी ब्राउन होते हैं, ब्रोमीन के वेपर भी रेडिश ब्राउन। आपने एक और जार इसके ऊपर रखा और इस जार के ऊपर से लिड जो था ढक्कन वो हटा लिया। अब एक जार से नीचे वाले जार से ब्रोमीन गैस ऐसा ऐसा ऊपर वाले जार में शिफ्ट होना शुरू हो गई, देखें। और कुछ देर के बाद दोनों गैस दोनों जो है हमारे पास जो दोनों जार हैं इन दोनों में देखें ब्राउन गैस हर तरफ फैल गई है। क्या होता है, ऊपर से ऊपर वाले जार में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टकराते हुए नीचे आते हैं और नीचे वाली जार से ब्राउन जो गैस ब्रोमीन होती है वो ऊपर हरकत करती है और ये चारों तरफ हर तरफ जो है वो गैस जो होती है वो फैल जाती है। तो ये आपने वीडियो देखी डिफ्यूजन की। नेक्स्ट हमारे पास है इफ्यूजन। इफ्यूजन इसकी डेफिनेशन, इट इज द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू ए वेरी स्मॉल होल इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये गैस के मॉलिक्यूल का फरार हो जाना है, निकल जाना है एक एक करके एक बहुत ही छोटे सुराख से इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, एक कम प्रेशर वाले इलाके में। हाई प्रेशर वाले इलाके से कम प्रेशर वाले इलाके में गैस के मॉलिक्यूल का एक छोटे से सुराख से एक एक करके निकल जाना, इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सुराख में से गैस के मॉलिक्यूल एक एक करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्प्रेडिंग इज नॉट ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद ईच अदर। ये जो स्प्रेडिंग है ये गैस के मॉलिक्यूल के आपस में टकराने की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ वेसल। ये क्यों है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो बर्तन है उसकी दीवारों से टकराते हैं। इन दिस वे मॉलिक्यूल कम इन फ्रंट ऑफ द होल, इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, होल सुराख के सामने आ जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल सुराख के सामने आते हैं इट एंटर इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द वेसल विद लो प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल सुराख में से निकलकर जो लो प्रेशर वाले रीजन में चले जाते हैं। देखें डायग्राम, देखें यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं, जब ये टकराएंगे दीवार के साथ तो कुछ मॉलिक्यूल जब आएंगे यहाँ पर होल के पास, इस सुराख के पास आएंगे, तो ये मॉलिक्यूल टकरा जो है वो होल में से निकलकर दूसरी तरफ चले जाएंगे जहाँ पर गैस का प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से गैस के मॉलिक्यूल का लो प्रेशर की तरफ सुराख में से निकलना एक ही करके, इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबव टॉपिक, हाउ डाल्टन लॉ इज अप्लाइड टू प्रिपरेशन ऑफ गैसेस इन लेबोरेटरी। डाल्टन लॉ हम कैसे अप्लाई करते हैं प्रिपरेशन ऑफ गैस इन लेबोरेटरी। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन है, ये डाल्टन लॉ, ये आप लिखेंगे जो हाईलाइट हुआ हुआ है, जो एरिया हाईलाइट हुआ हुआ है ये आपने लिखना है। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाकर दी गई है। ठीक है, डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन को भी डिफाइन करें इफ्यूजन को भी डिफाइन करें। तो ये डेफिनेशन है इफ्यूजन की, यहां तक लो प्रेशर तक, ये है इफ्यूजन की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, ये दो लाइंस।